वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम देते रहेंगे और भी स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल डॉक्टर्स के साथ जुड़ते रहेंगे हम। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि इफ यू गेट प्रेग्नेंट नाउ व्हाट, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं या आप सच में प्रेग्नेंट है तो अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप जो आप लेंगे वो है कि ये पता करना कि क्या आप सच में प्रेग्नेंट हैं या सिर्फ ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं, या तो मतलब मेरा कहने का है कि बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं या सिम्टम्स हैं उनकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए। सो गाइस, ऐसे एंटिसिपेट करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी मेंसुरल साइकिल यानी कि आपके पीरियड्स रेगुलरली आते रहते हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रही हैं, तो इनकेस इस मंथ आपने मिस कर दिया है, 5 to 7 days बीत गए हैं एंड यू हैव नॉट गॉट योर पीरियड्स येट, आपके पीरियड्स अभी तक नहीं आए हैं, देन व्हाट यू नीड टू डू इज आप जाइए किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाइए, आपको इजिली एक यूरिन प्रेगनेंसी किट मिल जाएगी जिससे कि आप घर पे ही टेस्ट करके अश्योर कर सकते हैं कि इफ यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। मेरा ये मानना है कि पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले या किसी पैथोलॉजी में जाकर के अपना ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट कराने से पहले अगर आप घर पे ही अश्योर हो जाएं और तब जाएं तो इट वुड बी अ बेटर एडवाइस। मतलब दिस इज एडवाइसेबल फ्रॉम द डॉक्टर्स ऑल्सो, डॉक्टर भी यही कहेंगे कि आप पहले घर पे एक किट लेके आप अश्योर हो जाइए तब हमारे पास आइए। तो गाइस चलिए देखते हैं कि ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट काम कैसे करता है। हम आपको बताते हैं कि आप इससे अपने यूरिन सैंपल दे करके किस तरह से घर पे ही अश्योर कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं। तो आइए हम एक टेस्ट किट ले लेते हैं। आपकी टेस्ट किट के अंदर एक इस तरह की स्ट्रिप होगी, ठीक है, तो इसी में आपको अपना सैंपल डालना है। यहां पर आपको एस लिखा हुआ दिखेगा, उसमें आपको अपना यूरिन सैंपल डालना होगा। एक तरफ सी लिखा है यानी कि कंट्रोल और एक तरफ टी यानी कि टेस्ट। एक कंटेनर में यूरिन ले लीजिए अपनी और इसके साथ आपको ड्रॉपर मिला हुआ है। ड्रॉपर में यूरिन लेकर के सिर्फ 2 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन आपको एस में यानी कि सैंपल में डालना है। अपने ड्रॉपर में यूरिन फिल कर लीजिए, उसके बाद ये जहां एस लिखा होगा सैंपल वहां पे 2 ड्रॉप्स यूरिन डाल लीजिए। तो आपने जैसे देखा कि ये हमने इसमें यूरिन सैंपल डाल दिया है, अब वो टेस्ट हो रहा है। आपको इमीडिएटली हाइपर नहीं होना है, उसको 5 से 10 मिनट के लिए एक जगह के लिए रख के एक जगह पे छोड़ दीजिए और वो तब आराम से रिजल्ट्स देगा, क्योंकि मे बी कभी कभी तुरंत रिजल्ट्स आ जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिजल्ट्स थोड़ी देर बाद आते हैं, चेंज हो जाते हैं, अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर आपके प्रेगनेंसी टेस्ट किट में कोई भी लाइन नहीं आती है यानी कि आपका टेस्ट एक एरर फॉर्म में आ गया है, ये देखिए जिस तरह से ये है इसमें कोई भी लाइन नहीं आई है, तो ये एक एरर हो गया है। इसका मतलब है कि आपको टेस्ट रिपीट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेने जाएं मेडिकल स्टोर से तो प्लीज 2 या 3 लेके रखिए अपने पास, बिकॉज वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप 1-2 बार ले अपने टेस्ट कर लें तो वो अच्छा रहेगा। तो इनकेस आपकी 1 रेड लाइन आती है इस तरह से, इसका मतलब है कि आपका टेस्ट नेगेटिव है। ऑलराइट, ये टेस्ट नेगेटिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कंट्रोल साइड में है, सी के साइड में आपका 1 लाइन ऑफ रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव टेस्ट है यानी कि आप प्रेग्नेंट नहीं है।
बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, आप सेकेंड किट खोल करके फिर से वो ट्राई कर सकते हैं और फिर से हो सकता है कि आपको टू लाइंस दिखे इस तरह से। ये देखिए, जैसा कि इस टेस्ट किट में आप देख रहे हैं कि टू रेड लाइंस आ रही हैं, इसका मतलब है कि अगर ऐसा कुछ आता है आपके टेस्ट में तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव मानी जाती है। तो गाइस देखिए, ऐसे तीन तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं आपके टेस्ट में। जैसा कि इसमें कुछ भी नहीं आया है तो ये एरर माना जाएगा। सेकेंड में सिर्फ एक रेड लाइन है, इसका मतलब है कि ये टेस्ट नेगेटिव है। एंड लास्टली थर्ड वाले में दो रेड लाइंस हैं तो ये पॉजिटिव है, यानी कि प्रेग्नेंट हैं आप। सो गाइस, अगर आप इसी पॉजिटिव साइन का वेट कर रहे थे एंड यू आर प्लानिंग फॉर दिस, सो कंग्रेचुलेशंस एंड आपको बहुत बहुत बधाई है। आपकी इस नई जर्नी, इस नई स्टेज में आप सभी का स्वागत है। हम आपकी हेल्प करते रहेंगे कि आगे क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है हमको। अगर हमें पता चल गया है कि हम प्रेग्नेंट हैं घर पर, और तो अब हमें कुछ इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट करवाने हैं बिफोर कंसल्टिंग एंड मीटिंग अ डॉक्टर। देखिए, क्योंकि अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अल्टीमेटली आपको ये ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट लिख के देंगे, और उनको उनके रिजल्ट देखने के बाद ही डॉक्टर आपको कुछ एडवाइस कर पाएंगे। सो इट वुड बी बेटर, मेरी सजेशन से, वी हैव डॉक्टर्स एट होम, तो उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है कि अगर आप ये टेस्ट पहले से करवा के तब अपने डॉक्टर या गायनी से मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए हम आपको बता देते हैं कौन कौन से ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट आपको करवाने चाहिए। तो पहला टेस्ट जो होगा वो है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, एंड सेकेंड टेस्ट इज द रूटीन यूरिन टेस्ट एंड द माइक्रो यूरिन टेस्ट। थर्ड आता है VDRL, इसका मतलब है इस टेस्ट में हम इन्फेक्शंस डिटेक्ट करते हैं कि अगर मदर के अंदर कोई इन्फेक्शंस है किसी तरह के तो वो पहले से डिटेक्ट हो जाए, सो दैट हम उनके सॉल्यूशंस निकाल सकें। द नेक्स्ट टेस्ट इज द HIV टेस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज द डायबिटीज टेस्ट, कि मदर डायबिटिक है या नहीं है। एंड देन वी हैव द थायराइड टेस्ट। थायराइड में तीन तरह के टेस्ट आते हैं, T3, T4 एंड TSH, ये तीनों थायराइड टेस्ट होते हैं। एंड लास्ट में अगर आपने प्लानिंग के टाइम पे रुबेला इम्यूनिटी टेस्ट नहीं करवाया है तो प्लीज गाइज आप अब करवा लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। सो गाइज, ये सारे टेस्ट अपने पैथोलॉजी में जाकर के करवाइए, उसके बाद अपनी गायनी से मिलिए। लेट हर एडवाइस यू क्या करना चाहिए क्या नहीं, उनके रिजल्ट्स देख करके वो आपको क्या सजेस्ट करती हैं। बट मेरी सजेशन है कि अगर आपने फोलिक एसिड लेना स्टार्ट नहीं किया है, इन केस आपने प्लानिंग के टाइम से नहीं स्टार्ट किया है, तो अब से, आज से स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ 5 mg डेली आफ्टर योर डिनर, 5 mg ऑफ फोलिक एसिड इज वेरी नेसेसरी। 3 months, दिस इज द टाइम पीरियड जब तक आपको फोलिक एसिड लेना है। आपको 5 mg की फोलिक एसिड 3 months तक रेगुलरली लेनी है। सो गाइज, ये टेस्ट कराने के बाद फोलिक एसिड लेते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ये जानने के लिए कि आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है। हमारे के आगे के वीडियोज में हम डॉक्टर के साथ जुड़ेंगे और आपको स्पेशल सजेशंस एंड एडवाइसेस देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अब जल्दी ही हमारे पास बहुत बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं, तो प्लीज जुड़े रहिए है।